Good morning, student. Welcome to the e-learning class. This is class 6, chapter 10, motion and measurement of distances. So, aaj hum kya padhenge? Motion and measurement of distances. So, now our first topic is story of transport. Aaj hum dekhenge transport ki story. Ki log pehle ke zamane mein kaise travel karte the aur ab wo log kaise travel karte hain. So, ancient time mein kya tha? Ancient time mein logon ke paas to व्हीकल्स होती नहीं थी, ना बाइसिकल्स होता था, ना रिक्शा, ना ऑटो रिक्शा, कार, मोटर बाइक, कुछ भी नहीं होता था. ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी नहीं था पहले के जमाने में. पहले के जमाने में जो लोग ट्रैवल करते थे वो लोग पैदल ही ट्रैवल करते थे. वो लोग सारा सामान अपने ऊपर ले करके वो लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है. तो उससे क्या होता था, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी जब वो ट्रैवल करते थे. मतलब वो सारा सामान जब अपने ऊपर लेकर चलते थे तो वो लोग पूरा थक जाते थे ट्रैवल करते करते. तो वो लोग ज्यादा डिस्टेंस तक क्या करते थे, ट्रैवल नहीं कर पाते थे. और अगर वो लोग बहुत दूर जाते भी थे तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है. एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल उनको लग जाता था ट्रैवलिंग में. तो उनका क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था ट्रैवलिंग में. जैसे जैसे टाइम बीता गया फिर वो लोग क्या करने लगे, वो लोग एनिमल का सहारा लेने लगे ट्रैवलिंग करने में, ठीक है. वो लोग अपना सारा सामान अब क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर रख करके उस पर बैठ करके अब वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे इजिली. तो अब क्या था, थोड़ा सा टाइम भी कम लगता था और वो लोग थोड़ा आराम से पहुंच भी जाते थे और सामान भी थोड़ा ज्यादा कैरी कर सकते थे अब वो लोग, क्योंकि अब क्या करते थे, वो लोग एनिमल्स के ऊपर सारा सामान अपना रख देते थे. जब अगर उन्हें नदी क्रॉस करनी होती थी, रिवर क्रॉस करनी होती थी, नदी पार करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो लोग लकड़ी के जो ट्रंक होते हैं उसको काट करके बीच से उसको हॉलो बना करके उसमें वो बैठ करके ट्रैवल करते थे. तो उसमें क्या होता था, एक या दो लोग ही ट्रैवल कर पाते थे, एक या दो लोग ही क्रॉस कर पाते थे रिवर, ठीक है. तो अब क्या कर किया उन्होंने, फिर वो लोग क्या करें, बैम्बू स्टिक को जोड़ करके वो लोग नाव बनाने लगे, ठीक. तो अब उसमें ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते थे, ज्यादा लोग नदी को क्रॉस कर सकते थे, ठीक. जब धीरे 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 और टाइम बीता तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया. जब इन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया उसके कारण क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस. अब क्या था, अब वो लोग एनिमल्स का यूज करते थे व्हीकल्स को पुल करने में, जो कि किस पर चलती थी, व्हील्स पर चलती थी. और अब वो इजिली क्या करते थे, ट्रैवल कर सकते थे. अब उन्होंने बुलक कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अब वो लोग बुलक कार्ड के थ्रू ट्रैवल करने लगे और उन्होंने बहुत सारे कार्ड बनाए जिसके थ्रू वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे. तो धीरे धीरे क्या हुई, चीजें और इजिली वो ट्रैवलिंग करने लगे, मतलब उनका जो ट्रैवलिंग था वो थोड़ा और आसान हो गया और टाइम भी कम लगने लगा, ठीक है. अभी भी आप देखते हो तो गांव में कहीं कहीं क्या होता था, बुलक कार्ड चलता है, ठीक है. तो और जब और टाइम बीता तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया स्टीम इंजन का. जब 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ उससे क्या हुआ, ये हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज था. क्यों, क्योंकि अब रेल रोड्स बनने लगे थे. रेल रोड्स बनने लगे तो जो हमारी जो ट्रेन थी अब वो किस पे चलती थी, स्टीम पे चलती थी, ठीक है. स्टीम इंजन के थ्रू वो ट्रेन चलती थी. क्या होता था, जब हम कोल को जलाते थे तो हमारा जो पानी रखा रहता था वो बॉइल होता था, और जब वो बॉइल होता था तो उसमें से क्या निकलती थी, स्टीम निकलती थी. और हम उस स्टीम को स्टोर करते थे और उसको जब हम इंजन के पास पहुंचाते थे तो क्या होता था, हमारी ट्रेन चलती थी. तो जब स्टीम इंजन के थ्रू हम क्या करने लगे, अपने ट्रांसपोर्ट में स्टीम इंजन का यूज करने लगे, तो उससे बहुत सारे बोट चलने लगी, शिप चलने लगी, जिससे क्या हुआ, वाटर में भी ट्रैवलिंग क्या हुई, हमारी इजी हो गई, ठीक. धीरे धीरे और टाइम स्पेंड हुआ, हाँ. और उन्होंने और ज्यादा डेवलपमेंट किया. और आप देखते हो अब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट देखते हो अपना, तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस है. लाइक अब हम फ्यूल का यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं अपनी बाइक, ऑटो में, बाइक में, कार में, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट. आपके लिए अब ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो. आपके पास रिक्शा है, ई रिक्शा है. अब आप देखते हो सिर्फ फ्यूल से ही हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं चलते,
अब हमारे जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी चलते हैं। आप देखते हो मेट्रो, मेट्रो जो हमारी चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है, ठीक है। हमारा जो ई रिक्शा है वो भी बैटरी के थ्रू चलता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस लाई और इसने क्या किया, आपके टाइम को भी सेव करने लगा। इससे आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होने लगा। अगर अब आप देखते हो, अब क्या आपके पास इतना टाइम है कि आपको अगर इलाहाबाद जाना हो तो आप एक दिन का टाइम लगा के इलाहाबाद जाओ? नहीं, आपके पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका इतना अच्छा हो गया है कि अब आप इजिली ट्रैवल कर सकते हो। आप बाइक से जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। और इलाहाबाद पहुंचने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेगा हार्डली। पहले क्या होता था, अगर पहले आपको इलाहाबाद जाना होता था तो आपको कम से कम एक दिन लग जाता था पैदल चलते 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 चलते, ऊपर से सारा सामान कैरी करके, और आप क्या करते थे, थक जाते थे। ट्रैवलिंग आपकी इतनी इजी हो गई कि आप इजिली ट्रैवल कर सकते हो, आप थकते नहीं हो, आपको इतना कंफर्ट मिलता है अपनी ट्रैवलिंग में कि आप कितनी भी डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, बस के थ्रू जा सकते हो, एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हो। आपकी आजकल की जो बसेज हैं वो भी लग्जरी बसेज होने लगी हैं, ट्रेन आपकी लग्जरी ट्रेन होने लगी है, ठीक है। तो आपको ट्रैवलिंग करने में टाइम भी सेव होता है और आप आराम से ट्रैवल भी कर सकते हो, ज्यादा सामान भी कैरी कर सकते हो। तो जैसे जैसे चेंजेस हुए, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ वो बहुत ज्यादा चेंज और बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरमेंट से क्या मतलब है, क्यों इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट। मान लीजिए मैंने बोला कि आपको यहाँ से इलाहाबाद जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इलाहाबाद 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है, तो कैसे आप जानेंगे कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ही दूर है? उसको मेजर करेंगे डिस्टेंस को, यहाँ से नापेंगे। तो इसलिए मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ से कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। किसी भी चीज की लेंथ, वेथ या हाइट हमें पता होनी चाहिए ना, कि कोई भी चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है। तो इसलिए हमें मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज को मेजर करे बिना हम उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ को नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए मेजरमेंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मेजरमेंट भी क्या होता है कि अभी आज के टाइम पे अगर आप मॉडर्न टाइम पे बात करें तो आपके पास मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट आप कर सकते हो, लेकिन एंशियंट टाइम में क्या था, आपके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, देन वी विल टॉक अबाउट एंशियंट टाइम कि कैसे आप एंशियंट टाइम में मेजरमेंट करते थे। सो नाउ मेजरमेंट इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Measurement consists of two parts. The first part is a number, while the second part is the name of the unit of measurement. देखिए, measurement की definition अगर आप देखोगे तो measurement क्या होता है? Measurement में क्या होता है? हम एक unknown quantity को compare करते हैं fixed quantity के साथ, उसको ही हम क्या कहते हैं, measurement. इसको हमने divide किया है two parts में, ठीक है। उसमें जो हमारा पहला पार्ट होता है नंबर होता है जो कि, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारा यूनिट होता है। लाइक यहाँ से हमारी मान लीजिए सरगम की डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर, ठीक। तो ये जो 5 है ये हमारा नंबर है और जो किलोमीटर है ये क्या है, ये हमारी यूनिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मेजरमेंट की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि एंशियंट टाइम में लोग कैसे मेजर करते थे और जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो एंशियंट टाइम में क्या था, कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी मेजरमेंट की, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, हैंड स्पैन या फुट के थ्रू या क्यूबिट के थ्रू मेजर करते थे। अब क्यूबिट क्या होता है, लाइक आप अपने फिंगर से लेकर के एल्बो तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं, ठीक। अगर आप मान लीजिए मैं अपने हैंड स्पैन से किसी चीज को मेजर करती हूँ, मान लीजिए ये डेस्क है, अगर मैं डेस्क को अपने हैंड स्पैन के थ्रू मेजर करती हूँ तो मेरा जो मेजरमेंट आएगा मान लीजिए वो 6 हैंड स्पैन आया, ठीक। और अगर आप अपने हैंड स्पैन के थ्रू मेजर करते हैं तो जो उसका मेजरमेंट आता है वो 8 हैंड स्पैन आया,
तो क्या हुआ यहाँ पे मेजरमेंट में क्या हुआ, वेरिएशन हो गया। मेरा जो हैंड स्पैन है, मेरा हैंड स्पैन आ रहा है एक डेस्क की लेंथ 6 हैंड स्पैन, और आपके हैंड स्पैन से अगर उसको मेजर किया गया तो वो 8 हैंड स्पैन आया। तो अब क्या हुआ, मेजरमेंट में वेरिएशन आने लगा। तो हम किसी भी एक चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ या एग्जैक्ट वेट या हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब मेजरमेंट में वेरिएशन आने लगा तो हमें एग्जैक्ट साइज किसी चीज की नहीं पता चल पा रही थी। इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अ यूनिट दैट रिमेन्स द सेम व्हेन अप्लाइड, नो मैटर व्हेन एंड बाय हुम इट इज यूज्ड, इट्स कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट। Scientists all over the world together have accepted simple basic single set of units for measurement of physical quantities. This system of measurement is called the metric system and the set of units is called International System of Units or SI units. The SI units were adopted in 1960. अब ये देखिए कि जब आपने measure किया और मैंने measure किया तो measurement में variation आने लगे। तो अब हमें क्या थी, एक नीड थी कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाएं जिससे कि हम हमारे दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी किसी भी चीज को अगर किसी एक चीज को नाप रहा है तो वो एक लोग नापे, दो लोग नापे या हजार लोग नापे, सबकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को जब हमने अडॉप्ट किया, जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाया जिसको कि हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं मेट्रिक सिस्टम, और जो सेट ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट, ठीक है, जिसको कि हमने अडॉप्ट किया था 1960 में। अब जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया तो अब क्या हुआ, अब हमारा जो मेजरमेंट था वो वेरिएशन नहीं कर रहा था उसमें, ठीक है। वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी मेजर करता था तो वो सेम मेजरमेंट सबका आता था। अगर मैंने बोला इस डेस्क की लेंथ 5 मीटर है तो आप मेजर करो या मैं मेजर करूँ वो 5 मीटर ही होगी, ठीक है। जैसे आपके पास मीटर स्केल होती है, आप मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो, इंची टेप से मेजरमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपके पास क्या है, अब मेजरिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो। लाइक आपकी जो स्केल होती है वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या और भी बड़ी बड़ी स्केल आती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी भी चीज को। तो अब क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें जो हमारा एक पार्ट है वो नंबर है, एक पार्ट है हमारा यूनिट। लाइक आप कोई भी चीज मेजर करते हो, लाइक एक किलो, आपको किस, मान लीजिए आपको एक किलो सेब लेना है तो अब आपका एक किलो क्या हो गया, किलोग्राम जो है ये आपकी यूनिट है। आप बता रहे हो कि उसको एक किलोग्राम सेब लेना है या दो किलोग्राम लेना है या तीन किलोग्राम लेना है। अगर आप ऐसे बोलो मुझे एक सेब लेना है तो एक सेब लेना है ना, सिर्फ आप एक सेब लेके चले जाओगे, दो सेब लेना है, तीन सेब, ऐसे तो सामने वाले को नहीं पता चल रहा है ना कि आपको क्या लेना है, कितना लेना है, सिर्फ दो सेब तीन सेब तो लेना नहीं है। मान लीजिए आपको दो किलोग्राम लेना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उसकी यूनिट या आधा किलो लेना है। तो ऐसे आपको जब तक आप उसकी यूनिट नहीं बताओगे वो चीजें क्या होंगी, वो क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट था ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्ड मेजरमेंट की। अब एक चीज और, आप सभी चीज को मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हो, ठीक है। लाइक अगर कोई कर्व वाली चीज है, मान लीजिए मैं बात करूं कि कोई कर्व वाली चीज है, जैसे कि ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक कर्व बना है, ठीक है, ये कर्व है। अगर आपको इसको मेजर करना है देन आप क्या करोगे, इसको आप क्या मीटर स्केल से नाप सकते हो, नहीं नाप सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक थ्रेड लोगे, ठीक है, उसके एक पॉइंट को यहाँ रखोगे एंड देन आप इससे क्या करोगे, उस थ्रेड को इसके अकॉर्डिंग पूरा इस पे रखोगे और एक पॉइंट और एक पॉइंट, जब इस पे पूरा मेजर करने के बाद जब आप उस लेंथ थ्रेड को बड़ा करोगे और देन मेजर करोगे तब जाके इस कर्व की आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको कर्व की मेजर करनी है देन आप क्या करोगे, थ्रेड का यूज करोगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हर चीज को एक मीटर स्केल से
कर सकते हो। हर चीज को मेजर करने के लिए एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप किसी भी पेड़ के ट्रंक को अगर आपको मेजर करना है, देन आप क्या मीटर स्केल से तो कर नहीं सकते, उसके लिए आप क्या करोगे, अलग डिवाइस का यूज करोगे। देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो आपका क्या होगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारी यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। व्हेन वी से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम। डज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम। देखो मोशन क्या होता है, जब कोई भी चीज मूव करती है ना उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी मोशन होगा ना वो हमेशा वो एक किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई चीज यहाँ पे खड़ी है, लाइक आप खड़े हो और कोई गाड़ी जा रही है, कोई कार जा रही है, इट मीन्स कि आपके रिस्पेक्ट में वो कार जो है वो किस में है, वो मोशन में है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई भी चीज अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। लाइक अगर मैं इस जगह से दूसरी जगह जाती हूँ तो इट मीन्स कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोशन में हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो क्या है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मूव कर रहा है। लाइक मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो मैं मूव कर रही हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं मोशन में हूँ। अगर मैं एक जगह खड़ी हूँ, मैं अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं यहीं खड़े होकर के आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स मैं रेस्ट में हूँ, मैं मोशन नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये रहा मोशन की डेफिनेशन। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। The object move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. अगर कोई भी object एक straight line में move कर रहा है, motion कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर कोई object एक straight line में move कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक rectilinear motion कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते हो जब कोई मार्च निकलता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, उसको क्या करें, वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, जब एथलीट क्या करते हैं, जब दौड़ते हैं तो आप देखते हो ना कि जो उनका ट्रैक होता है वो सिर्फ एक ही ट्रैक पर दौड़ते हो, तो वो जो उनका ट्रैक है वो वहां पे क्या करें, वो रेक्टिलिनियर मोशन करें, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव such that its distance from a fixed point remains the same. मतलब कि जैसे कोई object move कर रहा है तो जब वो क्या कहते हैं, उसका एक fixed point है, वो same ही रहेगा, ठीक है। वो यहाँ से move करके फिर वहां पे अपने fixed point पे चला जाएगा, तो ऐसे motion को हम क्या कहते हैं, circular motion कहते हैं, ठीक है। जैसे आप clock देखते हो, clock पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, तो clock की पूरी जो सुई होगी वो क्या होगी, रोटेट करेगी और फिर वो 12 बजे अपनी एक पोजीशन पर आ जाएगी। तो मतलब वो क्या करी, एक सर्कुलर पाथ बना रही है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है, वो एक सर्कल को पूरा कंप्लीट कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, जो अपने फिक्स पॉइंट पर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर से उस सेम पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक। वो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो फिर से अपने सेम पॉइंट पर आ गए, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे।
ठीक है, लाइक जैसे आपने क्या किया, एक थ्रेड लिया, उससे आप स्टोन बांध के अगर घुमाओगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे अगर वो स्टोन है, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो वो क्या है, अपना एक पॉइंट पे वो फिर से आ जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फैन है आपका, फैन क्या करता है, वो भी तो सर्कुलर मोशन ही है, वो घूमता रहता है, एक ही उस पर घूमता रहता है ना, वो बार बार अपनी पोजिशन को क्या करता है, सेम उसी पोजिशन पे रोटेट करता है, तो वो क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, नाउ पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब मतलब वो मोशन जो कि रिपीट करता है अपने पोजीशन को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। लाइक आप क्लॉक की पेंडुलम को आप जब देखते हो तो क्या करता है, वो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो ये जो ये क्या कर रहा है, ये जो मोशन कर रहा है, ये कौन सा मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो एक पोजीशन के बाद फिर से उस पोजीशन पे जा रहा है, मीन फिर वो उसी पोजीशन पे जा रहा है। आप झूला देख लो, आप एक बार आगे जाते हो फिर पीछे जाते हो, आगे जाते हो पीछे जाते हो, तो ये क्या कर रहे हो, आप ऑसिलेट कर रहे हो, तो ये जो ऑसिलेशन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से फिर दूसरे पॉइंट पर कुछ पीरियड के बाद आप पहुंच रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, थैंक यू क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।